YouTube लाइव पर आपका स्वागत है। करियर गाइडेंस संबंधी जानकारी को जारी रखते हुए आगे हम बात करते हैं। 45 से 50% मार्क्स आने के बाद भी आप एक अच्छे कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं और वो है फैशन डिज़ाइनिंग। इस प्रोफेशन में गारमेंट डिज़ाइनिंग, एक्सेसरी डिज़ाइनिंग और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग जैसे कोर्सेज शामिल हैं। फैशन डिज़ाइनिंग से पेयर प्रेशर या फैमिली प्रेशर से चुने जाने वाला करियर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति को कलर्स, शेड्स, टेक्सचर्स को कंबाइन करके उसमें अपनी क्रिएटिविटी को डालना है, यानी सृजनात्मकता की कला उसमें होनी चाहिए। यदि आप में वह क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता है तभी इस करियर की ओर आगे बढ़ें। एस्पिरेंट की योग्यता 10+2 आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या पॉलिटेक्निक या PUC या इसके ही समकक्ष कोई डिग्री उसके पास होनी चाहिए, जिसमें एग्रीगेट अंक 45% जनरल कैटेगरी के लिए आवश्यक होते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ फैशन विद क्रिएटिविटी रिलेटेड कोर्स नहीं है, बल्कि इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट की आवश्यकता को अच्छी तरह समझते हुए अपने आइडियाज़ को उसके अनुसार, उसकी चॉइस के अनुसार आप उसे आइडियाज़ दे सकें। मार्केट ट्रेंड की, फैशन ट्रेंड्स की नॉलेज अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। डिज़ाइनिंग में गारमेंट डिज़ाइनिंग बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इसमें टेलीविज़न फिल्म के लिए ड्रेसेस तैयार की जाती हैं। डिज़ाइनर को मार्केट रिसर्च और क्लाइंट के बजट के अनुसार कॉस्ट्यूम्स तैयार करने होते हैं। डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिया जाता है, जिसे आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है। अगर ये फाइनलाइज हो जाता है तो इस मास्टर डिज़ाइन को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन के लिए दे दिया जाता है। इसके बाद आता है मार्केट रिसर्च। फैशन मार्केट लगातार चेंजिंग होती रहती है, इसलिए फैशन चेंज हो जाता है, इसलिए चेंजिंग ट्रेंड्स और फैशन पर लगातार नज़र रखनी पड़ती है। मार्केट रिसर्च करना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रिटेल बिजनेस और एक्सपोर्ट हाउस सबके लिए आवश्यक है। इसी के आधार पर प्राइसिंग होती है और प्रोडक्ट की आवश्यकताएं पूरी तरह से मार्केट रिसर्च के आंकड़ों पर निर्भर होती हैं। 5 से 10 सालों के अनुभवी और दक्ष रिसर्चर्स मार्केट ट्रेंड्स की रिसर्च करते हैं या डिज़ाइनर्स खुद मार्केट रिसर्च करते हैं। फैशन इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल और फैब्रिक्स की खरीदी, ट्रेनिंग, शेड्यूलिंग, पैटर्न मेकिंग, फिनिशिंग, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मास्टर पैटर्न को ट्रेंड पर्सनल जैसे कि टेलर्स, असेंबलर्स, एम्ब्रॉयडरी एक्सपर्ट्स की हेल्प से कई आकारों में प्रोडक्शन करते हैं। जब मशीनरी की ज़रूरत होती है तो मशीन ऑपरेटर्स भी नियुक्त किए जाते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग करियर में क्वालिफिकेशन और अनुभव के आधार पर अच्छी आय हो सकती है। एक ट्रेनी की सैलरी या स्टाइपेंड 1,000 से 15,000 रुपये तक होती है, जो एक्सपीरियंस बढ़ने से संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग के अच्छे स्कोप बताने के बाद ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि फैशन डिज़ाइनिंग करें कहाँ से। ये इंस्टीट्यूट्स हैं: इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, APJ इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग NIFD चंडीगढ़, नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIIFT मोहाली, पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन नई दिल्ली, सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद। इस तरह से फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करने के बाद आप फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। करियर गाइडेंस संबंधी जानकारी के लिए YouTube लाइव को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव से भी ये जानकारी शेयर करिए। धन्यवाद।